कौन चिल्ला रहा है? अरे यार, ये तो किसी भूत की आवाज लगती है। दोस्तों, मैंने तो आज ही यार कब्रिस्तान के पास में नया घर खरीदा था, लेकिन मुझे लगता है भाई यहाँ पे तो कोई भूत प्रेत आत्मा है। यार दोस्तों, मैंने कब्रिस्तान के पास में घर लेके सच में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और यार इस नए साल में कुछ नया कारनामा करने हम आ चुके हैं रोफ्रोग निंजा की सिटी के अंदर। तो दोस्तों, ये है रोफ्रोग निंजा हीरो की सिटी, जो की काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हॉरर भी है। तो अभी हम आ चुके हैं कब्रिस्तान के अंदर। वैसे तो आप लोग जानते हो मुझे कब्रिस्तान से कितना ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो डर सिर्फ रात के टाइम पे लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना अभी आप लोग देख सकते हो काफी लोग आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम में तो भाई कब्रिस्तान में बहुत से लोग आते रहते हैं। यहाँ पे ये जो कब्र वगैरह है, ग्रेव्स है, यहाँ पे प्रेयर करने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पे एक चर्च भी है। जी हाँ दोस्तों, इस चर्च में भी लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी ये चर्च बंद है। तो दोस्तों, आज हम कब्रिस्तान पे क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हम एक टास्क करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा हो रहा टास्क है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे कब्रिस्तान के पास में घर खरीदने वाले हैं। न्यू ईयर पे सभी लोग अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हमारे फ्रॉग निंजा हीरो तो इस बार घर खरीदने वाले हैं, वो भी भाई कब्रिस्तान के पास में। ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, ये डेंजर हमें आज करके देखना है। तो दोस्तों, कब्रिस्तान के पास में एक लेफ्ट साइड में है कॉलोनी और दूसरी राइट साइड में। तो सबसे पहले हम राइट साइड वाली कॉलोनी में आ चुके हैं, और यहाँ पे ये सामने जो घर है ना, ये भाई परचेज हम कर सकते हैं, ये भाई सेल के लिए डाला हुआ है। तो चलो जल्दी से इसे हम परचेज कर लेते हैं। तो यहां हम गोले में आ चुके हैं, और यहां आके हम भाई इस घर को परचेज कर रहे हैं भाई $1,00,000 का। ओ भाई, ये तो काफी एक्सपेंसिव घर है, और इसे हमने फिर भी परचेज कर लिया, क्योंकि हमारे पास में पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ये लो दोस्तों, ये घर हमारे लिए ओपन हो चुका है। ये देखो, यहां पे मेन डोर ओपन हो चुका है। ओ भाई, ये क्या है? ये तो बिल्कुल खाली है। अरे यार, $1,00,000 देख के भी पूरा का पूरा घर खाली है। अंदर कम से कम फर्नीचर तो मिलना चाहिए था, सेमी फर्निश्ड घर होना चाहिए था। यहां पे सिर्फ एक टेबल और कुर्सी है, और अच्छा यहाँ पे तो कुछ है, एक आधा सोफा है, टीवी भी है भाई, एक चेयर और स्टूल वगैरह है यहाँ पे। तो यार ये रूम तो फिर भी ठीक है, फिर भी यहाँ हमें खरीदना होगा। ये लो, तो हम खरीदारी स्टार्ट भी कर चुके हैं, और यहाँ पे भाई हमने एक वार्डरोब खरीद लिया है। और अभी यहाँ पे क्या है भाई? ये, ओ भाई, स्मॉल बेड, हमें तो लार्ज साइज बेड चाहिए था भाई। ये क्या है, किंग साइज बेड वाला बंदा अब स्मॉल बेड पे सोएगा, वो भी फ्रॉग निंजा हीरो। अच्छा, दो बेड यार, एक ही रूम के अंदर दो अलग अलग बेड ले रहे हैं, क्योंकि भाई सेपरेट जगह ही नहीं है एक बड़े से बेड के लिए। यार क्या, अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा है भाई रेस्ट करने का, तो सबसे पहले तो पोजीशन सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पोजीशन सेव की, और अभी हम सो जाते हैं। ये कौन चिल्लाया? ओ भाई, ये तो किसी भूत या चुड़ैल की आवाज लगती है। अपने पास में जो कब्रिस्तान है, हो सकता है वहीं से ये आवाज आई हो। लेकिन यार अभी तो दिन का टाइम है, और दिन के टाइम में भाई कब्रिस्तान में कोई भूत-वूत नहीं रहते, ये तो मुझे पक्का पता है। लेकिन भाई हो सकता है अपने इस घर के अंदर कोई चुड़ैल हो। अरे यार सच में, ये तो मैंने सोचा नहीं। भागो यहां से। अरे भाई, मैं अब यहां एक सेकंड नहीं रुकूंगा। अरे भागो 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 यहां से। लेकिन यार दोस्तों, इस घर पे हमने इतना सारा पैसा खर्च किया है, इस घर की गाड़ी जरूर चुरा के लेके जाएंगे। तो जल्दी से गैराज खोलते। अरे ये तो खाली है, और ये, अरे यार ये वाला भी खाली है। अरे नहीं यार दोस्तों, ये तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हमने इतना पैसा खर्च किया है, और यहाँ से एक टूटी फूटी गाड़ी भी नहीं मिली हमें। चलो कोई नहीं, अपनी जान बच गई वही काफी है। इस घर के अंदर सच में चुड़ैल है, क्योंकि भाई ये कब्रिस्तान के कितना क्लोज है। ये देखो, साइड में तो कब्रिस्तान है भाई, हो सकता है इस घर के अंदर चुड़ैल हो भाई, क्योंकि वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने की वहां पर आवाज आई थी, और मैं काफी ज्यादा डर गया। और ये वाला गैराज किसका है? अरे यार ये गैराज तो किसी और का लगता है, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, हमें तो अब यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। तो चलो कोई नहीं यार, ये वाला घर छोड़ देते हैं, अभी कुछ और ढूंढते हैं, क्योंकि हमें घर तो खरीदना है। तो वो घर नहीं, थोड़ा दूर वाला घर देख लेते हैं, जो कि कब्रिस्तान से काफी ज्यादा दूर हो। तो यार ये ही घर है कब्रिस्तान से लास्ट इस कॉलोनी के अंदर, जो काफी दूर है। और यहाँ पे तो एक फवारा भी है। ओ भाई सही है यार, उस पहले वाले घर के अंदर ना ही तो बाथरूम था और ना ही टॉयलेट था। तो यार यहाँ पे हमें फवारा तो मिल गया, हम नहा तो लेंगे कम से कम। और ये घर ना मुझे थोड़ा सेफ भी लग रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने कब्रिस्तान के काफी क्लोज वाला घर खरीदा था, और उसके अंदर क्या हुआ था आप सबको पता है। लेकिन ये घर देखो कब्रिस्तान से कितना दूर है, वो वाला घर वहां पे था और ये घर यहाँ पे है, मतलब कब्रिस्तान से तो थोड़ा दूर ही है ये। तो यार यहाँ पे मुझे सेफ लग रहा है, तो जल्दी से इसे बाय कर लेते हैं। और भाई यार ये सस्ता है,
है, काफी ज्यादा सस्ता है। वो पहले वाला घर $1,00,000 का था, ये $70,000 का है। और यहाँ पे ये क्या है? ओ भाई ये तो मेलबॉक्स है। दोस्तों अगर आपको अपने नाम का शाउट आउट चाहिए ना, तो अपने नाम को लिख के ना पर्ची इसके अंदर डाल देना, इस मेलबॉक्स के अंदर, तो मैं आप लोगों को शाउट आउट दे दूंगा। तो आप लोग भी यार आना, आप तो अच्छा सा घर ले लिया, कब्रिस्तान से थोड़ा दूर भी, आप लोगों को भी डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फवारा भी है यार, ये घर तो काफी अच्छा है। और अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे मेलबॉक्स के साइड में भाई ये देखो डस्टबिन भी है, मतलब साफ सफाई भी रख सकते हैं हम इस घर के अंदर। वैसे हम रखते नहीं है भाई साफ सफाई बिल्कुल भी। तो चलो, ओ भाई ये क्या है, हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? अरे ये क्या है यार? चलो फाइनली हम लोग अंदर तो आ गए, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि इस घर में भी कोई भूत आत्मा है जो हमें अंदर आने से रोक रही है भाई। और ये क्या, ये एग्जिट डोर। ओ भाई पीछे की तरफ भी अच्छा सा लॉन वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन अभी हमें अंदर चल के फर्नीचर खरीदना होगा, तो जल्दी से फर्नीचर खरीद के डेकोरेट करते हैं। ओ भाई यहाँ पे किचन, अच्छा ये सब डेकोरेट तो अपने आप ही हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो बस इस गोले में जाके परचेज करना होता है। यहाँ पे क्या आएगा? ओ भाई यहाँ पे लिविंग रूम बनेगा। और देख रहे हो कितना कुछ सामान आ गया भाई, ये क्या बात है, सोफा आ गया, डाइनिंग टेबल आ गई, अरे भाई टीवी वगैरह सब कुछ आ गया। चलो अच्छे से हम इस सोफे पे बैठ सकते हैं यार, बैठने के लिए जगह तो नहीं है इस वाले पे, देखते हैं। ओ भाई कैसे बैठा यार, टेबल लगी हुई थी इतनी बड़ी, कैसे बैठा, कैसे आखिर ये यार इसके ऊपर साइड से होके बैठ गया। चलो इस वाले पे तो लेट सकते हैं आराम से, कितना बड़ा सोफा है भाई, क्यों नहीं लेट पाएंगे, और बैठ भी सकते हैं। तो चलो यार अच्छा है, ये घर अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअल में, मतलब यार लिविंग रूम किचन विचन सब एक ही जगह हो गया। चलो ऊपर देखते हैं ऊपर क्या होगा। तो यार ये, अरे यार ये क्या है, और अरे छोटा सा रूम, इतना छोटा रूम, इस तरफ क्या अड़ंगा है यार। अरे यहाँ पे एक ऑप्शन आया था, कहाँ चला गया वो ऑप्शन? अरे अभी मैं यहाँ आया तब एक हाँ ये रहा, ये है वो ऑप्शन। ओ भाई ये मैं कहाँ बैठ रहा हूँ? अरे यार ये क्या है दोस्तों, इस दीवार के उस तरफ जो रूम है हम उसमें बैठ सकते हैं डायरेक्ट। ओ भाई इस दीवार के उस तरफ से, यहाँ से खड़े खड़े हम उस तरफ वाले सोफे पे बैठ गए थे, ये देखो ये रहा वो सोफा जिस पे अभी हम बैठ रहे थे, उस तरफ से खड़े खड़े, मतलब बीच में एक मैजिकल दीवार है जो कि बिल्कुल हमें एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचा देती है, मतलब क्या बात है, ये तो कोई ग्लिच ही हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये, ओ भाई यहाँ पे भी स्मॉल बेड खरीद दिया क्या? अरे यार ये किस टाइप का रूम बन गया, ये बेडरूम है लेकिन एकदम ट्रेन के डिब्बे जैसा है भाई, देखो कितना पतला सा सकड़ा सा रूम है भाई ये। और ये क्या है, अरे यार ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे दोस्तों ये इतना छोटा सा रूम, इससे अच्छा तो वो बाजू वाला ही था। ओ भाई यहाँ पे आखिरकार हमें बाथरूम मिल गया। ओ ये क्या, इस बाथरूम में कमोड क्यों नहीं है? अरे सिर्फ नहाना ही है क्या? अरे भाई हल्का होने कहा जाऊंगा, आखिर वो कलाकार कौन था जिसने ये घर बनाया भाई, बाथरूम बना दिया लेकिन कमोड नहीं लगाया, वाह क्या बात है। मतलब सर्दी में बिना नहाए तो रह सकता है इंसान, लेकिन बिना हगे कैसे रहेगा, अबे बाथरूम में कमोड तो चाहिए ही था यार। दोस्तों अब हम क्या ही करें, इस घर के अंदर रहेंगे, इससे पहले जो घर खरीदा था उसमें बाथरूम नहीं था, इस घर के अंदर बाथरूम है लेकिन बाथरूम में कमोड नहीं है, मतलब यार हल्का होने क्या, मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा, वहां रेलवे ट्रैक पे जाके मोर बनूं क्या? मुझे तो लगता है सिटी के सारे लोग ना वहां ट्रैक पे जाके ही मोर बनते हैं सुबह सुबह, इसी वजह से किसी घर के अंदर बाथरूम नहीं है, किसी में बाथरूम है तो कमोड नहीं है, ये सारा का सारा पैसा मेरा वेस्ट चला गया। अब तो मुझे कोई और ही घर खरीदना होगा, क्योंकि मुझे घर चाहिए जिसके अंदर कमोड हो यार, बिना कमोड का भी कोई घर होता है। तो चलो इधर से तो हम निकल गए, और ये गैराज, अच्छा इसका गैराज भी खाली होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अबे यार क्या ही चेक करें, ये देखो बिल्कुल खाली है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ भी भाई पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ मनी हुआ है हमारा, लेकिन चलो कोई नहीं यार, पैसे की कोई कमी है नहीं अपने पास में। और ये एम्बुलेंस, ओ भाई तभी मैं यहाँ आया तब से ये गाड़ी यहीं खड़ी है, चलो इसे निकालते हैं भाई, फंस रही है ये, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगी, हमारे धक्के मुक्के से ये गाड़ी नहीं हिलने वाली। चलो रस्सी से खींचते हैं, और ओ भाई ये मैंने क्या कर दिया, अरे यार यहाँ तो तगड़ी तोड़फोड़ हो चुकी है, और गाड़ी के अंदर ओ भाई वो तो नर्स मर भी गई, और ये लो पुलिस आ गई, अब तो हमें यहाँ से भागना होगा। तो दोस्तों ये वाला घर भी हमारा बिल्कुल वेस्ट चला गया, वो वाला भी चला गया था, अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड वाली कॉलोनी में। तो कब्रिस्तान के राइट साइड वाली कॉलोनी के अंदर दो घर थे, वो हमने परचेज कर लिए, लेकिन दोनों ही अच्छे नहीं लगे। अभी हम आ चुके हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक घर है ये रहा, लेकिन यार काफ़ी छोटा है, फिर भी यार इसके अंदर कमोड वमोड तो होंगे, बाथरूम तो होगा, चलो ट्राई करते हैं। $10,000 का ये कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो यहाँ पे परचेज करते हैं किचन, सबसे पहले हमने यहाँ पे किचन खरीद लिया है। वैसे यार एक बात बताओ, इतने सारे घर खरीदने, उनके अंदर फर्नीचर भी खरीदना पड़ रहा है बार बार, और इतना सारा पैसा लग रहा है, और सारा वेस्ट जा रहा है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे लिविंग रूम बना दिया हमने, बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, सोफ़ा काफ़ी हल्का है, लेकिन छोटा ही घर है तो छोटा ही सोफ़ा होगा ना यार। यहाँ पे वार्डरोब, और ये क्या है, ओ
भाई स्मॉल बेड, तो चलो यहाँ भी लेट जाते हैं यार, इतने घर खरीद खरीद के थक गया सच में मैं तो, रेस्ट की बहुत जरूरत है, बस इतना रेस्ट काफ़ी है क्या? चलो ठीक है यार, यहाँ पे भी कमोड नहीं है, अरे भाई इस घर में भी कमोड नहीं है, अच्छा घर के अंदर बाथरूम भी नहीं है इस वाले में, तो ये तो पहले वाले घर की तरह ही है। गाड़ी के लिए गैराज है, सही है भाई, गाड़ी खरीद करने के लिए गैराज है, लेकिन नहाने धोने के लिए हगने के लिए भाई बाथरूम नहीं है। वाह क्या घर बना रखे हैं यार इस सिटी के अंदर, मतलब सच में रेलवे ट्रैक को यूज़ करते हैं ये लोग, हगने के लिए तो रेलवे ट्रैक पर जाते होंगे और नहाने के लिए फवारे लग रहे हैं वहाँ नहा लेते होंगे। चलो इससे स्कूटर लेते हैं, अबे स्कूटर दे हमें, अच्छा हमसे फाइट, ये और ये ले, अब अच्छा अब भी नहीं मरा, चल वापस से फाइट, अरे रुक जा अब तो गया बेटे तू, और ये लो, चलो इसे तो हमने पहुंचा दिया जुनू, अब हम इसका स्कूटर लेते हैं, और अरे भाई ये क्या हो गया, शायद ऐसा पहला बंदा होगा जो स्कूटर चलाने से पहले गिर गया, लेकिन चलो कोई नहीं, गिरना था जो गिर चुका, अब मैं बिल्कुल नहीं गिरने वाला था, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और अब स्कूटर पे घूमेंगे। ओ भाई सामने पुलिस वाला जा रहा है, चलो इसे गिराते हैं टक्कर मार के। ओ भाई देखा कैसे बच के निकल गया यार वो पुलिस वाला, जैसे हम उसके पास पहुंचे ना उसने तेज कर ली अपनी स्पीड। चलो कोई नहीं अब इस पे घूम घूम के अच्छा सा घर ढूंढते हैं, तो यहाँ पे सामने की तरफ एक घर दिखाई दे रहा है जो कि सेल के लिए डाला हुआ है, तो चलो इसे परचेज करते हैं। ओ भाई ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा स्कूटर को साइड में लगाना होगा, चलो स्कूटर को साइड में लगा दिया है और अब खरीदते हैं $20,000 का, कोई बड़ी बात नहीं खरीद लिया हमने इसे। और यार घर तो छोटा सा, ये डबल फ्लोर नहीं है लेकिन हाँ अच्छा घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और इसके ओ भाई पीछे की तरफ भी एक सीक्रेट दरवाजा है, तो चोरों की तरह हम पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस चुके हैं, लेकिन काम चोरों वाले नहीं करने, चोरों के उल्टा काम करना है, मतलब चोर घर से सामान चोरी करके लेके जाते हैं और हम घर के अंदर सामान लेके आते हैं। तो ये देखो पहला सामान अलमीरा लेके आए हैं, दूसरा स्मॉल बेड, तो ये बेड भी लगा दिया हमने, मतलब पहले खाली था घर, हम भर के जाएंगे इस घर को, तो यहाँ पे एक और बेड ले लिया और यहाँ पे एक और अलमीरा, चलो इस अलमीरा में है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओ भाई ड्रेसेस हैं, तो यार बड़ी मस्त मस्त ड्रेसेस हैं इसके अंदर, तो यार कौन सी अच्छी लग रही है आपको, मुझे ये वाली ठीक लग रही है, इसे परचेज कर लेते हैं। ओ भाई $10,000 की ड्रेस है ये, लेकिन यार अभी ये नहीं पहनेंगे, आज नहीं पहनेंगे भाई, आज तो हम यही पहन के रखेंगे क्योंकि यही मस्त लग रही है मुझे तो, ठीक है मतलब वो वाली कभी और पहनेंगे। तो अभी हम आ चुके इधर और यहाँ पे किचन खरीद लिया, वाह क्या बात है, अच्छा लग रहा है यार इसका किचन का सेपरेट है, ये सही लगा मुझे, यहाँ लिविंग रूम, वाह क्या बात है एक ही बार में इतना कुछ, क्या बात है दोस्तों। और अरे भाई जिसे ढूंढा गली गली वो इस घर में आके मिली, भाई कमोड मिल चुकी है, बाथटब भी है, ये वाला घर सच में कंप्लीटेड है, मतलब इसके अंदर जो बाथरूम है उसमें बाथटब भी है और कमोड भी है, बस भाई मुझे इसी की तो तलाश थी, ये घर एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे सब कुछ है दोस्तों, आप खुद ही देखो यार, यहाँ पे किचन है जहाँ हम खाना बना के खा सकते हैं, यहाँ पे लिविंग रूम में टीवी देख सकते हैं, टॉयलेट में फ्रेश हो सकते हैं, यहाँ आके सो सकते हैं, सोने के बाद बाहर आके यहाँ बैठ के आराम से चाय पी सकते हैं, और क्या ही चाहिए, सब कुछ तो है इस घर में। तो दोस्तों मेरा तो घर अब से यही रहेगा, ये बदमाश कौन है, अबे तू एक तो मेरे घर के बाहर आके पता नहीं क्या ही कर रहा है, और इधर ये देखो इस घर का गैराज, इसमें कोई गाड़ी जरूर से मिलेगी हमें, अबे गाड़ी नहीं मिली इसके अंदर, तो कोई अंकल जी है और वो भी अपना स्कूटर लेके, अरे अंकल आप कौन हो, अरे अंकल तो बिना कुछ बोले चले गए, रुक जाओ पहले इसे सबक सिखाने, तो इसे बहुत देर होगी मुझे मारते हो, और ये लो और ये गया, अरे अभी तो भी नहीं मरा, रुक जा इसका तो मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ, इसे ना स्टिकी रॉकेट लगा के उड़ा देते हैं हवा में, तो चलो इसके स्टिकी रॉकेट, अबे रुक जा भाई स्टिकी रॉकेट लगा लेने दे फिर देखियो तेरे लात गुस्सों का मस्त जवाब मिलेगा तुझे। तो ये लो स्टिकी रॉकेट्स ऑन कर दिए और ये उड़ के चला गया पहाड़ के उस पार। तो दोस्तों आज हमने कब्रिस्तान के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों में दो दो घर खरीदे, मतलब टोटल चार घर खरीदे, उनमें से मुझे ये वाला घर सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर बाथरूम भी है और भाई बाथरूम में कमोड भी है। बाकी के जो तीन घर थे उनमें से दो में तो भाई बाथरूम ही नहीं थे, कमोड तो कहां से होंगे, और एक घर जिसके अंदर बाथरूम तो था लेकिन उसमें कमोड ही नहीं था, तो वो सारे के सारे घर मैंने खरीद के यूं ही छोड़ दिए ताकि जितने भी भूत हैं जो कब्रिस्तान में रहते हैं वो उन घरों के अंदर रहने लग जाएं। वैसे भी यार भूतों को कमोड और बाथरूम तो चाहिए नहीं होता है क्योंकि भूत ना ही तो नहाते हैं और ना ही हगते होंगे, यार मैंने तो शायद ऐसा ही सुना है, अगर आपने सुना है कि भाई भूत हगते भी हो नहाते भी हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, मैं उनके लिए फिर बाथरूम भी बनवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ये जो चार घर थे इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा घर आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।